हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं अपने वीडियो में क्या बताने वाली हूँ, तो मैं आप सबको आज इस चीज़ से अवेयर कराने वाली हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं और हमेशा जवान दिखना चाहते हैं, तो कुछ हम लोगों को नियम फॉलो करने चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे कि हम लोग हमेशा स्वस्थ रहें। तो आपको आज मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जवान दिखेंगे और हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। तो कुछ गलतियां हम लोग करते हैं अपनी खान पान में या अपने जीवन शैली में, जिसकी वजह से हम लोग स्वस्थ नहीं रह पाते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हम लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं। अनजाने अनजाने में हम लोग बहुत सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हम लोग को नहीं समझ में आती हैं और उसका प्रभाव हमारी स्किन पर, हमारे स्वास्थ्य पर और बहुत सी बातों पर पड़ता है, जिससे कि हम लोग जैसा दिखना चाहते हैं वैसा नहीं दिख पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी मैटर पर डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को ऐसे क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे हम लोग आसानी से घर पर ही बैठकर अपनी सोच को थोड़ा सा वाइट करके हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो भी जीवन शैली है वो सबसे पहले खान पान से डिसाइड होती है कि हम लोग खाना ऐसा क्या खाते हैं। हम लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए ये तो हम लोगों को पता होता है, लेकिन क्या खाना चाहिए ये नहीं पता होता है। हम लोगों को हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और ज़्यादा तला चिकना और बाहर के फास्ट फूड जो होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें किसी किसी फास्ट फूड में नमक भी ज़्यादा होता है, उसमें मीठे भी ज़्यादा होते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ डाली जाती है जिससे जो हम लोगों की बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो हम लोगों को हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और दूसरा ये है कि कभी भी अपने पेट से ऊपर नहीं खाना चाहिए। पेट से ऊपर आई मीन कि जैसे हम लोग को अगर दो तीन रोटी की भूख है तो बस दो तीन रोटी खानी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल पेट भर के खा लिए। जिसे हम जब हम लोग बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लेते हैं तो हम लोगों के अंदर भी एक मशीनरी है पेट के अंदर, तो वो हम लोग का सही से वर्क नहीं करती है, तो हम लोगों का खाना पूरी तरह से अच्छी तरह से पच नहीं पाता है। उसमें ज़रूरी एंजाइम जो मिलने चाहिए हम लोगों के खाने के लिए, पचाने के लिए, वो प्रॉपर वर्क अपना नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए जिससे, और रात में मोस्टली कम खाना चाहिए जिससे कि हम लोगों का डाइजेशन अच्छे से हो सके। जब डाइजेशन अच्छे से होगा तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपका पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और एक पॉइंट ये है कि आपको अपने खाने में चीनी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए और ना ही नमक का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। अगर खाना जैसा भी बन गया अगर उसमें नमक कम है तो आप नमक उसमें और ऐड मत करिए ऊपर से, क्योंकि ज़्यादा नमक आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर से हार्ट की बीमारियाँ होती हैं और बहुत सी ऐसी तकलीफें हो जाती हैं जिससे आप परेशान रहेंगे। तो खाने में जितना नमक पड़ गया अगर हल्का है तो उसे हल्का ही छोड़ दीजिए। और तीसरी बात यह है कि अपनी जो सोच है उसे हमेशा पॉजिटिव रखिए, आप नेगेटिव नहीं। जैसे कि एक पानी का गिलास भरा है तो आप ये मत देखिए कि वो आधा खाली है, ये देखिए कि वो आधा भरा है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं तो आप हमेशा यंग ही रहेंगे। क्योंकि जो लोग दूसरों से ज़्यादा मतलब रखते हैं या जलन करते हैं कि उसके पास ऐसा है मेरे पास नहीं है, और उसने इतना पैसे कमा लिए मेरे पास नहीं है, या उसके यहाँ ये है मेरे यहाँ नहीं है, ये सब चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे आप मानसिक रूप से उतना स्वस्थ रहेंगे। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि दूसरों के पास क्या है, अपने पास क्या है उसके लिए गॉड को थैंक दीजिए। क्योंकि जो जैसे आप जलन करते हैं, आप सोचेंगे कि स्वास्थ्य का जलन से क्या संबंध, बहुत संबंध होता है, क्योंकि जब आप जलन करते हैं ऑटोमेटिक आपका खून जलता है, तो जब खून जलेगा तो आपकी बॉडी भी स्वस्थ नहीं रहेगी। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच रखिए दूसरों के लिए, हमेशा अच्छी सोच रखिए, ऑटोमेटिक भगवान आपका भला करेंगे और आप खुश रहेंगे। इसलिए मैंने बोला कि किसी से भी जलन नहीं करनी चाहिए आपको। और तीसरा ये है कि कुछ आदतें अच्छी रखनी चाहिए, जैसे सुबह टहलना है, सुबह टहल रहे हैं आप, चार दोस्तों से बात करेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जैसे हम लोग अपने, अगर कोई भी व्यक्ति जॉब में लग जाता है या हम लोग किसी भी काम में लग जाते हैं तो दोस्तों से दूरी बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने दोस्तों से बातचीत करते रहना चाहिए, आपका इससे माइंड अच्छा रहेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे, कुछ अपने दुख सुख उसको बताएंगे, कुछ उसकी सुनेंगे, तो लाइफ अच्छे से चलती रहेगी। आपको एकदम अलग नहीं होना है समाज से, बिल्कुल समाज में मिलजुल कर चलिए, अच्छे से चलिए, आपको खुद भी अच्छा लगेगा और किसी को बुरा ना लगे ऐसी
बातें मत बोलिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी के लिए बुरा भी मत करिए। आप देखिएगा ऑटोमेटिक आपके फेस पे रौनक रहेगी, क्योंकि जो लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं तो वो अपनी खुद की जिंदगी खो देते हैं, वो अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी पाते, हमेशा दूसरों के बारे में सोच के टेंशन में रहते हैं कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, और वो अपनी जिंदगी का इंजॉय नहीं कर पाते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नए सपने नहीं है तो आप नए नए सपनों को लाइए कि अब मुझे ये करना है वो करना है, तो आप उसी में बिजी रहेंगे, आप दूसरों से इतना मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा तनाव ज़्यादा एंग्जायटी ज़्यादा टेंशन बिल्कुल आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है और आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। और एक खास पॉइंट यह है कि आप जितना ड्रिंक से और जितना और भी तरह के जो नशे होते हैं उनसे अगर आप दूर रहेंगे तो आप ज़्यादा जवान दिखेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो ऑटोमेटिक उनका देर सवेर उनकी बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और स्किन उनकी ख़राब होने लगती है, इससे वो जल्दी बूढ़े से दिखने लगते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करते भी हैं तो उसे बहुत लिमिट में कर दीजिए, क्योंकि जो अधिकता होती है जो अधिकता है किसी भी चीज़ की वो ख़राब होती है, तो आपको इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो आप एक ही जगह पर बैठे रहने की आदत होती है वो भी ख़राब होती है। अगर आपका ऐसा जॉब है कि आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो प्लीज़ आप ना बैठे रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर चल लीजिए, इससे आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही जगह पर बैठे बैठे हम लोगों की बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आपको इधर उधर भी थोड़ा सा टहल लेना है। और मॉर्निंग वॉक भी आप कर सकते हैं, सुबह की आपको हवा मिलेगी और बढ़िया बिल्कुल आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और इसके अलावा आप दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पी लीजिए, पानी बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए, जो हम लोगों की बॉडी के जो सारे फंक्शंस होते हैं वो अच्छे से होते रहते हैं, अगर आप 8-10 गिलास डेली पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करती है, जैसे हम लोगों की बॉडी पर जो स्किन अच्छी रहती है स्किन से ही मतलब पता चलता है कि आपकी बॉडी में अंदर से क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, आपकी स्किन जब ख़राब होने लगती है तो वो सब बढ़िया रहेगा अगर आप 8 से 10 गिलास डेली पानी पीते हैं। और टेंशन तो बिल्कुल भी आप मत लीजिए, क्योंकि टेंशन से ही ज़्यादातर हमारे स्किन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, कि अगर आप टेंशन ज़्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फेस पर उसका प्रभाव दिखेगा, हर वक्त टेंशन में रहेंगे। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है, जैसे घर में होते हैं या कोई भी होते हैं, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि मेरे बिना तो काम ही नहीं चलने वाला घर में, अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगी तो सारी टेंशन वो अपने ऊपर ले लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा टेंशन से दूर रखे, अपने लिए भी जीना सीखिए, आप लोग जब अपने लिए थोड़ा सा जियेंगे तो ऑटोमेटिक आप यंग बने रहेंगे। और खुद से प्यार करना सीखिए पहले, जैसे हम लोग औरों से तो प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और भी दोस्तों से यारों से खुद से प्यार करते हैं, लेकिन अपने से भी प्यार करना सीखिए, अपने को भी टाइम देना सीखिए। जब आप अपने को थोड़ा सा टाइम देंगे तो ऑटोमेटिक आपको यंग जैसा फील होगा और अच्छा महसूस होगा। टेंशन से बिल्कुल आपको बचना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि सारे काम हो जाते हैं, जब कोई दुनिया में नहीं भी रहता है तो भी आपने देखा है उसके घर के सारे काम हो रहे होते हैं, चाहे भले थोड़े देर दिन के बाद वो लोग नॉर्मल होते हैं, लेकिन जाने किसी के जाने के बाद दुनिया से बिल्कुल चले जाने के बाद भी सारे काम हो रहे होते हैं नॉर्मली। तो आप सारा बोझा अपने ऊपर मत लीजिए कि मुझे ये करना है वो करना है, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी देना चाहिए इंसान को। और बाकी बहुत सी ऐसी अच्छी आदतें हैं जो आप अपना सकते हैं, और सुबह ध्यान योगा इस टाइप का थोड़ा सा करना चाहिए अपनी बॉडी के लिए, आपको दिन भर फिर फ्रेश फील होगा। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब पर अगर आप अच्छा फोकस करते हैं, अपने खाने में फलों को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो जैसे और चीज़ों पर जैसे पिज्ज़ा बर्गर ये बाहर की चीज़ें जैसे आप खाते हैं तो इसके अलावा आपको वो कभी कभी आप खा सकते हैं, लेकिन आए दिन खाना इससे आपका लीवर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपका लीवर ख़राब होने लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जूस और फल को अपने खाने में शामिल करें, सलाद को शामिल करें, तो इससे जो अच्छे विटामिन होंगे वो आपके शरीर में जाएंगे और आप हमेशा यंग जैसे दिखने लगेंगे। तो आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं तो ये आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप ये लोग ये सब बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे दिखेंगे, आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, तो आप सबके लिए भी अच्छा सोचेंगे, खुद के लिए भी अच्छे ही सोचेंगे, कभी भी होपलेस नहीं होना लाइफ में और अच्छे से अपनी लाइफ जीना। दुख तकलीफ सबके जीवन में आते हैं, अगर मायने ये रखता है कि आप उस दुख तकलीफ से कितने अच्छे से निकल सकते हैं, कितने अच्छे से आपने वो सब चीज़ों को पार कर लिया, बस यही मेन है। तो आपको
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसमें से पॉइंट्स मैंने बहुत सारे बताए हैं, इसमें से जो भी पॉइंट्स आपको सूट करें, जो आप आसानी से कर सकें, सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे बताए हैं जिसमें कोई भी पैसे नहीं लगने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा है कि आप उसे अपना सकते हैं या नहीं। यदि आप अपनाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब मत करें, यही मेरी कामना है। तो आप लोग देख लीजिएगा फॉलो करके, अगर आप फॉलो करेंगे इन सब चीज़ों को तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।